Preamble of Indian Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी भारत में जो भी हो रहा है उस पर हम लोग सिर्फ यही कर सकते थे आज कि एक बार फिर से हम सब लोग अपने अपने संविधान को याद करें और जिन्हें प्रोटेस्ट करना है बिना हिंसा के करें, क्योंकि गांधी जी ने हम लोगों को यही सिखाया है कि विरोध करना चाहिए मुद्दों पे जिससे आप सहमत नहीं हैं, लेकिन हिंसा का कोई भी रास्ता नहीं है। इतना ही कहना था आज के वीडियो में।